तो सुबह 6 बजे भी उठ के वो जाते थे, 4-5 बजे हर दिन। तो सर वो भी लगता है ना कि पेरेंट्स जब इतना कर रहे हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए, हमें लगता है इसमें पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन टाइम के साथ हम उसको थोड़ा भूल जाते। तो लाइक अगर टेस्ट में अचानक से आ गया वो और उस समय हमसे नहीं बना, तो इसका मतलब है कि उस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है, और OC और IUC की नहीं की। क्योंकि सर जैसे OC के जो नोट्स थे वो बहुत प्रिसाइज थे, तो उसमें अब क्या कम करके बनाए इसमें समझ नहीं आता। तो सर वो एज इट इज जैसे वैसे कोई हाँ तो कृष्णा जी, कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस? अच्छी रही सर। कितना परसेंटाइल बना बेटा? सर 99.94। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। तो थोड़ा सा यार अपनी जर्नी शेयर करो हम सबके साथ। सर मैंने पहले 11th में अर्जुना लिया था, जो PW का अर्जुना है, फिर वहाँ से फिर लक्ष्य 1.2, फिर वहाँ से लक्ष्य एयरबैच लक्ष्य एयर बैच। एयरबैच अच्छा हाँ, बीच में आप उससे लक्ष्य एयर बैच में। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कितने आवर्स स्टडी चलती थी? सर 12 to 14, लाइक शुरू में 11th में 9-10 घंटे के आसपास होता था, लेकिन धीरे धीरे सर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो बढ़ते गए, और लास्ट में लाइक JEE मेन से पहले 14-15 आवर्स हो गया था। ग्रेट ग्रेट। तो स्कूल के साथ कोचिंग को कैसे मैनेज करते थे बेटा? सर स्कूल नहीं था, अच्छा 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 नॉन तो स्कूल। मतलब अच्छा, तो सेल्फ स्टडी को करीब करीब आप कह रहे हो, कितने आवर्स आप मतलब कोचिंग के अलावा कितने आवर्स आप सेल्फ स्टडी को दे लेते थे बेटा? सर लाइक कोचिंग में 6 आवर्स लगते थे, तो उसके बाकी जितना भी टाइम है सब सेल्फ स्टडी। बहुत बढ़िया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन अपने सब्जेक्ट हैं है ना, और केमिस्ट्री आपको भी पता है कि तीन पार्ट्स में है, तो कैसे इतने पांच सब्जेक्ट को पढ़ के कैसे मैनेज करते थे? लाइक सर जब कोचिंग होती थी तो केमिस्ट्री का एक ही सब्जेक्ट होता था, तो उस सब्जेक्ट में पहले मतलब करते थे जैसे जैसे क्लासेस हो रहे हैं। अब सर जैसे कोई टेस्ट आ रहा है उसमें लाइक PW में स्पेशली एयर बैच में पिछले वाले टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा आते, तो सर फिर उनको रिवाइज करता था मतलब साइड में जैसे जैसे टाइम मिलता रहता था। तो सर उससे सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा था और कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि मैं कुछ भूल नहीं रहा, क्योंकि सर वो रिविजन बार बार हो जा रहा था, तो सर वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया बेनिफिशियल। बहुत तो इस बढ़िया। तरीके से टाइम थोड़ा जब सा भी मिलता था। इस चीज को क्लियर करो। उसका रीजन है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हम क्या करें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे जो पुराने टॉपिक्स हैं ऐसा लगता है जैसे हम भूलते जा रहे हैं। अभी तुमने बोला नहीं मैं रिवाइज करता था, तो करंट टॉपिक और जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको कैसे मैनेज कैसे करते थे? सर लाइक मेन फोकस करंट टॉपिक्स पे ही रहता था, पुराने ओके टॉपिक्स थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिले, लाइक संडे को आपको 1-2 घंटा निकाल लेता था कभी कभी, और इनऑर्गेनिक जैसे रिवीजन उसमें बहुत चाहिए तो वो का रिवीजन कर लेता था, या फिर फिजिक्स का कुछ रिवीजन कर लिया। और सर मेन फोकस लेकिन उसमें रहता था कि मेन जो क्लास चल रहा है उसको अच्छे से फॉलो करूँ। अब जैसे सर 11th जैसे ख़त्म होता है, उसके बाद का जो पीरियड होता है उसमें सर आप 11th को जैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो मैंने उसमें ध्यान दिया था। लाइक मेरे कुछ टॉपिक्स वीक थे तो वो भी स्ट्रांग हो गए थे, और शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बना लिया था, तो रिवीजन करने में उतना टाइम नहीं लगता था उसकी वजह से। फिर जैसे 12th भी ख़त्म हुआ तो फिर उसके बाद भी 2 महीने मिल गए थे हमें, तो उसमें भी सर सब कुछ ब्रशअप कर लिया था अच्छे से। और लाइक सर क्लास के समय लाइक मिलता नहीं उतना टाइम, अगर मैं अच्छे से बोलूँ तो कभी कभी अगर मिल जाए तो उसको बेनिफिट उठाना चाहिए। लाइक कभी कभी क्लासेस नहीं होते तो उस समय कुछ रिवाइज कर लिया, तो उस तरीके से सर करना पड़ता है, तो उससे फिर बेनिफिट मिलते जाता है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि कर लेंगे, क्योंकि बैकलॉग नहीं है ना सर, अगर बैकलॉग नहीं होता तो बिल्कुल। फिर वो हो जाता तो इस पूरे इतने मतलब एक हेक्टिक शेड्यूल रहता था, क्लास सेल्फ स्टडी क्लास सेल्फ स्टडी, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? सर। मोटिवेशन के लिए तो सर घर में मम्मी पापा ही है। अब उनको देख ऐशा जैसे जैसे सर ठंड के समय भी पापा लाइक मेरा अप डाउन करते हैं थोड़ा, उनका दूर में बिजनेस है, तो सुबह 6 बजे भी उठ के वो जाते थे, चार पाँच बजे हर दिन। तो सर वो भी लगता है ना कि पेरेंट्स जब इतना कर रहे हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। क्या करते हैं बेटा फादर? फादर का एक सो मिल है, मतलब ओके सो मिल मतलब जो काट आते हैं ना उनका, मतलब चिराई करके एंड ऑल वो बेचते हैं, तो वो वाला बिजनेस है उस टाइप का। अच्छा, तो पूरे दिन के कितने आवर्स उनका मतलब रहता होगा ये जॉब? लाइक वो यहाँ से 8 बजे निकलते हैं,
और फिर वो आते हैं शाम के 6-7 बजे। ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि पेरेंट्स इतना यस कुछ सर, कर रहे हैं तो उनके लिए करना बनता है। बहुत अच्छी सोच है बेटा, बहुत अच्छी सोच है, वेरी यस गुड। कभी बैकलॉग की समस्या आई? बैकलॉग सर होने से भी 1-2 दिन का हो जाता, उससे ज़्यादा कभी हुआ नहीं। लाइक सर अच्छा। क्लासेस रेगुलरली करते। तो लाइव क्लासेस प्रेफर करते थे या रिकॉर्डेड? सर लाइव क्लासेस करता था, लेकिन कभी कभी लाइक रिकॉर्डेड क्लासेस भी करता था। वो मतलब एक कभी कभी लाइक सर लाइव क्लासेस में थोड़ा नेट का कभी इशू आ गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता। तो एक बार लाइक अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते थे, शुरू में ऐसा था कि फिर आपको शुरू से आप नहीं देख सकते, मतलब जितना आपका छूट गया वो फीचर शुरू में नहीं आया था, तो सर उसकी वजह से फिर रिकॉर्डेड देखना पड़ता था। क्योंकि सर फिर वो एक बार बीच में हम लोग छूट गए अगर, तो फिर हमको बैक करने का ऑप्शन नहीं मिलता था सर, ऐसा कुछ था पहले। तो सर इसलिए रिकॉर्डेड में चला गया, उसके बाद रिकॉर्डेड में भी सर अच्छे से हो जाता। वेरी गुड। तो अच्छा, साथ में आप ये मॉक टेस्ट होते हैं सब मंथली और वीकली या हर 15 डेज में, वॉट एवर, तो इनको भी आप रेगुलर देते आए? तो यस सर, हर हर बार दी। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए होंगे। तो जब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते थे तब क्या करते थे? सर वही कि ठीक है इस बार इस टेस्ट में नहीं आया, लेकिन उसको एनालाइज करके अगले टेस्ट में करेंगे अच्छा, क्योंकि इस टेस्ट में ठीक है नहीं आया बट अगले टेस्ट में आ जाएगा। तो वो मतलब वैसा नहीं है कि सर कि नहीं आया तो मतलब फिर पढ़ना छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन ठीक है एनालिसिस किया उसका पूरा अच्छे से, लाइक अगर कोई टेस्ट थोड़ा हार्ड आ गया या फिर नहीं हुआ मेरे से अच्छा, उसके एनालिसिस में टाइम ज़्यादा लगता है, यही डिफरेंस होता है। 3-4 घंटे लग गए तो कभी कभी। एनालिसिस करते समय क्या वॉच करते थे कि आखिरकार मार्क्स कम आए, किस लिए आए, क्या चीज निकल के सामने आती थी? लाइक सर कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमें एक टॉपिक आता है, हमें लगता है इसमें पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन टाइम के साथ हम उसको थोड़ा भूल जाते हैं। तो लाइक अगर टेस्ट में अचानक से आ गया वो और उस समय हमसे नहीं बना, तो इसका मतलब है कि उस टॉपिक को रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो उस समय जब एनालिसिस कर रहे होंगे हम लोग, तो उस समय जाके थोड़ा उस पोर्शन को रिवाइज कर लिया उसी समय, ताकि वो अगर बाई चांस अगले टेस्ट में भी आया तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहता है, क्योंकि 2-3 बार रिवाइज कर लिए। तो इस तरीके से रिवीजन भी हो जाता था, थोड़ा टाइम लगता था इसमें दो सर, मतलब 4-5 घंटे लग जाते थे, बट बेनिफिट मिलता, तो वो इम्पोर्टेंट था। अच्छा, क्या शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे? सर IOC के तो नहीं होते शॉर्ट नोट्स उतना अच्छा से, मतलब आपके नोट्स ही मतलब उसको आप शॉर्ट में क्या लिखे समझ नहीं आता था वैसे। तो फिजिक्स के बनाते थे, लाइक एक पूरा कंसेप्ट वाइज कर देते थे, फिर मैथ्स के बनाते थे और फिजिकल केमिस्ट्री के भी थोड़े बनाए, और OC और IOC के नहीं किए। क्योंकि सर जैसे OC के रोहित सर के जो नोट्स थे वो बहुत प्रिसाइज थे, तो उसमें आप क्या कम करके बनाए उसमें समझ नहीं आता, तो सर वो एज इट इज जैसे वैसे कोई। मतलब IOC और OC के शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, क्लास नोट्स आर हाँ सफिशिएंट, करेक्ट? सफिशिएंट और बहुत एकदम बढ़िया, प्रिसाइज बहुत टू द बढ़िया। पॉइंट थे सर, तो फिर उसमें क्या इनपुट कम करें उसमें समझ नहीं आता। कभी ऐसा रहा कि मतलब कभी तुमने ऐसा डिसाइड किया हो कि यार पर डे मुझे फिजिक्स के इतने, मैथ्स के इतने, केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन करने ही करने हैं प्रैक्टिस, कभी ऐसा कुछ टारगेट बना के चले? हाँ सर बनाया तो है, लेकिन कभी कभी सर क्या होता है वो फॉलो नहीं हो पाता। लाइक पहले क्या करता था सर, वो कोई एक टाइम मार्क दे देता कि इतना क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए, लेकिन सर वो एक लर्निंग प्रोसेस में वो अच्छा नहीं होता। क्योंकि अगर आप एक टाइम मार्क दे दोगे कि 1 मिनट में इतना ही करना है, तो फिर अगर वो नहीं होता तो फिर लगता है कि नहीं हो पाया और एक डिमोटिवेशन जैसा आ जाता। लेकिन सर वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं। तो सर उसमें अगर हम लोग अभी सोचने लग गए कि जी में 3 मिनट ही देने पड़ते हैं, 2 मिनट ही देने पड़ते हैं, तो उस तरीके से अगर हम प्रिपेयर करने लग गए तो फिर वो डिमोटिवेटिंग हो जाएगा। क्योंकि सर वो तो एग्जाम टाइम में हो जाएगा अपने आप, लेकिन अभी तो हमको फुल फोकस उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छा करने के लिए देना चाहिए, तो सर वो मेरा पॉइंट। नाइट में कितनी बजे तक पढ़ते हो? नाइट में सर वही 10-11, उसके बाद सो जाते, सुबह उठता सो नहीं। जाते हो? बच्चे तो चाहते हैं मैं रात की 3-3 4-4 बजे तक पढ़ता रहूं, ऐसा करते हो? सर 1 बार 2 बार किया था, लेकिन सर होता क्या है ना सर, 12-1 बजे के बाद हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई होती नहीं है। लाइक अगर हम दिन में पढ़े उसी एफिशिएंसी के साथ, तो उसमें ज़्यादा आउटपुट मिलता है। तो मैंने सोचा तो था, लेकिन उसके बाद उसको देखा आउटपुट नहीं मिल रहा उतना। 11th में किया था थोड़ा, तो उसके बाद 12th में कभी नहीं किया है। तो सर क्योंकि वेरी सर गुड।
12 बजे के बाद फिर वो लगता है कि हम पढ़ रहे, 5 बजे तक मान लो पढ़ लिया, लेकिन अगर हम वो 3 बजे तक भी पढ़ते सुबह के, मतलब सुबह के मान लो 4 से 6, तो सेम पढ़ाई होती है, तो फिर वो बेकार का 2 घंटा एक रेस्ट ले लेते, इससे अच्छा बॉडी को अच्छा रहेगा। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हो पढ़ते पढ़ते? सर मम्मी पापा से बात कर लिया, और बाहर जाके लाइक दीदी लोग भी रहती है तो उनसे बात बात कर लेता था, फिर खाने वाने के समय भी बातचीत हो जाती थी, तो सर वो हो जाता था, मतलब रिफ्रेशमेंट हो जाता था। मम्मी भी कभी कभी आके कुछ ना कुछ खाने को लिए देती रहती फ्रेंड्स थी। फ्रेंड्स मूवी ये वो लाइक दैट कुछ नहीं? मतलब सर किया नहीं वैसा कुछ। वेरी गुड। नहीं बस वही मैं जानना चाह रहा हूँ हाँ एक्चुअल में। हर बच्चा देखो यार ये जानना चाहता है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, देखो यार मेहनत सभी करते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, लेकिन रिजल्ट किसी का बहुत पॉजिटिव आता है, किसी का उतना पॉजिटिव नहीं आ पाता है। तो बच्चा यही जानना चाहता है कि आखिरकार मैंने वो क्या नहीं किया जो सामने वाले ने किया और उसका रिजल्ट आ गया। तो दैट्स व्हाई मैं तुमसे बहुत ऑनेस्टली ये चीजें बहुत खुल के साफ साफ पूछ रहा हूँ कि यार तुम क्या इस तरह का कुछ रहता है। अच्छा फ्रेंड्स वैसे सर्किल तो होगा तुम्हारा भी? जैसे सर एयर बैच में आने के बाद वो फ्रेंड सर्कल थोड़ा ज़्यादा हो गया, लाइक पहले भी बातचीत होती नहीं थी उनके साथ ज़्यादा, क्योंकि सर मतलब टाइम नहीं मिलता था। ऐसा नहीं कि वो लोग ज़्यादा प्रेशर करते कि आ जा खेलने, आ जा, वो सब वैसा भी वो लोग करते नहीं थे, लेकिन सर बातचीत नहीं हो पाती थी क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, और वो लोग भी समझते थे इस बात को कि पढ़ रहा है बच्चा, तो सर वो वैसा कुछ नहीं था कि बहुत जन फोर्स करते कि आ जा खेलने, आ जा, वैसा कुछ नहीं था सर। और एयर बैच में आने के बाद तो फिर उनके साथ ही बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होने लग गया बच्चों के साथ, तो सर उसके बाद फिर टाइम भी नहीं मिलता ना सर, क्लासेस इतने। क्या कॉन्सेप्ट्स को लेकर के अभी तुमने बोला जैसे एयर बैच में आने के बाद उन बच्चों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन हो गया जो एयर बैच के बच्चे थे, तो क्या एक दूसरे के साथ आप लोग कॉन्सेप्ट्स शेयर करते थे? यस सर, हमारा एक ग्रुप भी था व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जाए किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो वो डाल देता था, फिर हम लोग वेरी दो तीन गुड, जन डिस्कस करते थे कि इसका आंसर ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता, बहुत तो इस तरीके बढ़िया, से हम लोग का चलते रहता था। किसी को भी कोई भी डाउट है वो भेज देता था, तो फिर मतलब हम लोग यार ही देख हो लेते तो थे। ऐसी हो कि खुद भी बढ़ो दूसरे को भी बढ़ाओ, करेक्ट? यस सर, नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो फादर मदर का क्या रिएक्शन था बहुत अच्छा ये लगा अच्छी उनको। हाँ परसेंटाइज देखने के बाद, क्या बोले उनको वो? बहुत अच्छा लगा, मम्मा तो अभी बहुत मतलब बहुत खुशी है, जब से लाइक वो जो पीडब्ल्यू ने वो सब लॉन्च किया था ना हमारा नेम से लॉन्च, उसको ही देखे जाए हाँ तो अरे मतलब। शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फादर का क्या रिएक्शन था? पापा भी बहुत खुशी हुए सर, मतलब उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा किया है, फिर उन्होंने कुछ अच्छा खाना भी लेके आए वो बाहर से। पार्टी हो गई मतलब, है यस तो पापा को बोला नहीं? अभी तो पार्टी शुरू ही है, एडवांस बाकी है अभी, अभी है तो बाकी है सर एडवांस। चलो बहुत बढ़िया। तो एडवांस की आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा? सर एडवांस की सर जैसे आप हमारे ही बैच में सर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस दे आर आर सर, फिर शिवेंदु सर, ये लोग कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तो उनको अभी कर रहा हूँ, और जैसे ही थोड़ा बोर्ड का वो लाइक इंग्लिश का एग्जाम मेनली अगर हो जाए तो उसके बाद सर मतलब साइड बाय साइड एडवांस की कुछ पीवाई क्यूज कर लिए, वैसे करके कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो बाकी क्लास नोट्स सफिशिएंट हैं या कुछ अलग से मतलब थ्योरी वोरी देखते हो? नहीं सर, क्लास नोट्स करते वक्त ही मतलब इतना मटेरियल मिल रहा था, तो उसके अलावा कुछ टाइम ही नहीं था कुछ और करे। नहीं बच्चे अक्सर जो पूछते हैं ना सर और क्या है कहीं से कुछ थ्योरी, तो मैं भी उनको यही एडवाइस देता हूँ कि हम लोग जितना फिल्टर करके आपको देते हैं बेटा दैट इज मोर देन सफिशियंट। तो इसीलिए मैं जानना चाहता था कि आपका क्या व्यू है। चलो बहुत एक्चुअली अच्छा लगा। हाँ, एक्चुअली बताओ। सर अगर वो लोग इस मतलब आप लोग जो बोलते हो आप लोग के जो नोट्स हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना सर, तो सर उनके बाद उनको फिर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो कोई भी बुक उठा के कर सकते हैं, उनको फिर थ्योरी की ज़रूरत नहीं है सर एक्स्ट्रा से, क्योंकि सर थ्योरी तो आप लोग ही पढ़ा देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत सारा कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन सर सही सबसे बात पहले है। नोट्स एंड वो सब अगर हो गए अच्छे से तो सर जेई मेंस तो मतलब कुछ है ही नहीं फिर उसके बाद। बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड। चलो कृष्णा बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छी मेहनत करना। मैं चाहूंगा कि विक्ट्री सेलिब्रेशन में हमारी आपकी मुलाकात हो, फिर साथ बैठ के एंजॉय करेंगे वहां पे, जो पूरे साल अभी आपने नहीं किया है वो सारी मस्ती वहां करेंगे। ठीक है बेटा, यस सर, टेक केयर बेटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू।